चलिए अच्छी तरह से भून लेते हैं दोस्तों। थोड़ा पानी डाल देते हैं, डालो बस 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 बस, ज़्यादा तेल नहीं करना है। एकदम देहाती मछली का तरी देखिए, खाखरार मछली। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमेश राज ब्लॉग में। सो दोस्तों, अभी खाना पीना खा लिया है और अभी दोपहर का 1 बज रहा है, तो अभी जा रहे हैं हम आज देहाती मछली मारने। और ये सब घर में रहेंगे और संदीप सूरज स्कूल चला गया है, साथ में आज सूरज को भी ले गया है का। हाँ तो हम चलते हैं। हाँ ठीक है। और ये इधर देखिए बाल्टी, हमारा बाल्टी ले लिए हैं, और ये थाली और एक टांगी है, और आर्य भैया जा रहे हैं तो उनके पास में कुदाल है। आज पूरा देहाती मछली मार के लाएंगे। और ये देखिए सब जंगल की ओर ले जा रहे हैं अभी। इन लोग के पास में कोड़ी है यानी कुदाल, और हम ये सब ले लिए, हो जाएगा इतने ही में, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए हम लोग 3 आदमी जाएंगे। चलिए आइए, हम लोग पहाड़ के किनारे आ गए हैं और हम लोग जंगल के खेतों तरफ जा रहे हैं। देखिए ये पहाड़ उठ जाएंगे, उसके बाद में उधर मिलेगा जंगल वाला खेत। और यहाँ से देखिए, यहाँ से खेतों का नज़ारा, आहा पूरा हरा भरा दिख रहा है। अभी थोड़ा रखते हैं यहाँ पे। ये देखिए नीचे का नज़ारा, यहाँ पे तालाब पूरा भरा हुआ है, और वो टंकी के पास हम लोग का घर। ये रहा बड़ा सा सिमर का पेड़, और ये देखिए सूर्य, इतना टाइम हुआ है अभी, लगभग अब 2 बज गया होगा। वहाँ से आते आते टाइम लगा, थोड़ा देर बीच में रुके थे, अब 2 बज गया होगा। हम लोग पहाड़ उठ गए और इधर देखिए राहर का खेती किए हुए, जंगल वाला धान है, मस्त है। देखिए इधर ही हाथी 22 आए थे जो किसी धान को खाते हुए चले गए थे उधर। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही जगह होते हैं मछली, लेकिन हम लोग जाएंगे आगे जहाँ पे ज़्यादा पानी चलता है। इधर का रोड बहुत पहले बना हुआ था, तो अब उबड़ खाबड़ हो गया, फिर से हो गया है रिपेयरिंग का तैयारी। अब देखिए कब तक बनता है। जंगल वाला खेत पहुंच गए, ये देखिए धान लगाए हुए, ये सब देखिए, यही सब में मिलेगा मछली, देसी मछली। पूरा जंगलों के अंदर धान लगा हुआ है, और ये साइड भी लगा हुआ है देखिए, पूरा यहाँ से वहाँ। हम लोग इधर रोड को छोड़ दिए और इधर चलेंगे अब अंदर, ये जंगल जाने वाला रास्ता है। तो इधर ही मछली मारने का है जगह, वहीं पे मारेंगे अभी। खोखरा में मछली नहीं मिलेगा तो खोखरो हल मार लेंगे अभी, लेकिन मारेंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है। देखिए वहाँ गदगद गदगद आवाज़ आ रहा है, और यहाँ से देखिए कितना मस्त नज़ारा, हुंडरू पुल का नज़ारा, छोटा हुंडरू पुल है। चलिए खतरनाक जगह। हम लोग नीचे उतर गए, बचपन में हम लोग यही सब में देहाती मछली मारते थे, चोरका यानी चोरका और खाखरा। तो इधर भी देखिए कितना सारा पत्थर है, और यहाँ भी है, ये सब पत्थर में छुपे छुपे हुए रहते हैं मछली, देहाती मछली। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी चल रहा है, भैया सब आगे चल गए, चलते हैं उधर। अब देखते हैं जगह कि कहां पर मार पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पानी चल रहा है। ये देखिए धान इधर मस्त है जंगलों के बीच में, अभी बाली नहीं निकला हुआ है, थोड़ा अभी पीछे पीछे शायद ये वाला लगाए थे, तो ये वाला धान
मेरा ही गांव का है, पड़ोस वाले भैया को, और हम लोग का खेत ऊपर साइड में उधर साइड। हम लोग पूरा खेत में आ गए और देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ होगा कि नहीं, देख तो देख तो। और अब यहाँ देख रहे हैं कि कितना पानी है इसमें, सूखा पाएंगे कि नहीं। देखिए छोटा छोटा मछली यहाँ पे तैर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी उतर रहा है इधर से। देखिए तो हम लोग यहाँ पर पानी पर फेंकने का प्रोग्राम बना रहे हैं अभी, तो देखिए अब क्या होता है। बाल्टी और थाली उधर रख दिए, फिर देखते हैं। छोटा छोटा तो बहुत ही गुद्धू है यहाँ पे, ये देखिए इधर, इधर और भी ज़्यादा पानी, ये देखिए गुद्धू तैर रहा है। तो हम लोग का डिसीजन हो गया, अब इसी को फेंकना है और इधर देखना है मछली मिलेगा कि खाखरा। चलिए अब इधर से पत्थर ले चलते हैं और ये वाला नाली में कर देंगे पानी को, चल जाएगा। पिछले साल ये वाला नाली में ही मछली मिले थे, पर अभी बरसात में सीधे पानी उधर चला गया, इधर अभी जा ही नहीं रहा ये वाला नाली में, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही मछली और खाखरा मिलते थे, यानी केकड़ा। हम लोग देहाती में खाखरा बोलते हैं, नहीं तो केकड़ा बोला जाता है। चलिए ये वाला छोटा छोटा पत्थर को ले चलते हैं, वहाँ पे दे देंगे। चलिए उठाइए इसको, चलिए चलते हैं दोस्तों। हम मिट्टी लगाएंगे, जल्दी कर भगाए। बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ पे ठहरने खोज रहा है, देखिए पानी को अच्छी तरह से यहाँ छेक दिए और सभी पानी को ये साइड कर दिए, ये गड्ढे में जाने लगा। अब देखिए ये साइड कितना ज़्यादा पानी चल रहा है, देखिए और उस साइड वाला सूख रहा है धीरे धीरे, यानी ख़त्म हो रहा है। और हम लोग पहले तीन आदमी आए थे और एक भैया भी आ गए, चलिए चार हो गए हम लोग। चलिए मारते हैं, धीरे धीरे पानी सूखेगा। हम लोग सभी को बारी बारी से घिस रहे हैं पानी को, कितना देर लगता है दोस्तों। हम लोग का मेहनत लगता है बर्बाद हो जाएगा क्योंकि बारिश आने लगा। देखिए इधर भैया बच रहे हैं, वहाँ दो आदमी, और यहाँ पानी फूट रहा था इसलिए हम यहाँ फेंक देने आए हैं। इधर से पानी ज़बरदस्त आने लगा। अभी कलभट में बचने के लिए आ गए हैं और भैया सब वहीं पे हैं, कि कितना तेज़ पानी हो गया है। मेरा मोबाइल भीग जाता है इसलिए हम नहीं रुके, बोल रहे थे कि पानी आए चाहे कुछ आए मार के ही रहेंगे। हम बोले कि नहीं, मेरा मोबाइल है, हम मोबाइल को बचाने के लिए चले आते हैं, चले आए यहाँ कलभट में। बारिश छूट गया और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कलभट है, पूरा ऊपर और नीचे भी। और इधर भैया मछली फंसा रहे हैं बंसी से, देखिए पूरी इधर है, नहीं फंसा है। और यहाँ पे देखिए बजा के रखे हुए हैं, देहाती मछली है चरका, ये देखिए बड़ा बड़ा है, देखिए चरका मछली है, देखिए इतनी ज़्यादा पानी आ रहा है।
हम लोग बारी बारी से सभी को पानी को इधर निकाल के यहाँ पे ख़त्म कर दिए, और थोड़ा सा बचा हुआ है इसको पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद में मछली ढूंढेंगे। मछली और खोखरा मिलेगा अभी, यानी केकड़ा। इसलिए सभी को बारी बारी से पानी को ख़त्म करते हैं। पानी पूरा सूख गया, चलिए देखते हैं। ट्राई कर यहाँ पे है क्या, लिख रहा है लिख रहा है, देख यहाँ पे क्या है, केकड़ा मिला है तो उठा ये धुआं खाली चंद का है हां वो खा लो बैला दोस्तों। ये देखिए मछली गोरला मछली नहीं, इतना यहाँ झरना निकल रहा है कि यहाँ तड़े नहीं दे रहा, मतलब कि सोखता ही नहीं, इसलिए आधा मछली यहीं पे छूट गया। और इधर देखिए इतना सा हम लोग मार लिए, ये देखिए यहाँ है और वहाँ है, सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। केकड़ा होगा, चले जोर लगा के भैंसा, थोड़ा थोड़ा भैंसा। सभी को चलेंगे उधर, उधर एक बड़ा सा आम का पेड़ है, उधर ही जाएंगे। ये रहा आम का पेड़, मस्त छाया है, गर्मी का सीजन में ही पर आराम करते हैं लोग। ये देखिए यहीं पे अब सफाई कर लेंगे, जितने भी मारे हैं मछली और केकड़ा वो सबको सफाई कर लेंगे। मस्त चट्टान है यहाँ पे, शाम भी हो गया। मछली को अच्छी तरह से धो धा लिए और अब भैया बंटवारा कर रहे हैं, लोग चार आदमी देखिए। चलिए बंटवारा होगा उसके बाद चलेंगे घर, और शाम भी हो गया। देखिए कुहासा चारों तरफ, अब ठंडा का दिन आ गया तो कुहासा मार रहा है। मछली बंटवारा हो गया और ये देखिए इतना इतना हुआ हम लोग का। चलिए अब रखते हैं यहाँ से बाल्टी में, और ये खाली है। हम लोग यहाँ से चल दिए, अब घर पहुंच गए और भैया सब भी अपने अपने घर चले गए। चलिए रखते हैं, संदीप आ गया। हाँ। तो कहाँ गया था? चलिए इधर रख देते हैं। सभी कोई मछली को देख रहा है अब। हाँ। इतना ही था? हाँ इतने ही था, एक बाल्टी है। बहुत टाइम लग गया। संध्या भी देख रही है पूरा, थोड़ा सा एक ही दाह में बहुत सारा टाइम लग गया। चलिए रखते हैं। और अभी चावल बन रहा है, ढक दो, ढक दो। तो दोस्तों चावल बन गया, और ये देखिए यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल गरम हो रहा है, और यहाँ से फ्रेश से धो ले रहे हैं अच्छा पानी। चलो गरम हो गया है, देखिए इसमें लहसुन और मिर्चा डाले हुए। हाँ इसी का भी रसिया बनेगा, देहाती मछली का भी रसिया बनेगा का। हाँ।
तो लहसुन अच्छी तरह से लाल हो गया। चलिए अब डालते हैं मछली। चलो चलिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये मछली जल्दी ये नहीं होता है, गूढ़ा मतलब नहीं होता है, रदी रदी नहीं होता है। अच्छी तरह से भून लिए पूरा, देखिए लाल हो गया। नमक डाल दो, बस बस बस, ज़्यादा कड़ा हो जाएगा फिर नमक। अभी रसिया बनाएंगे मस्त। फिर नमक भी घोल मिल गया, हल्दी मसाला क्या बस बस दोस्तों थोड़ा पानी डाल देते हैं। डालो बस 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 बस, ज़्यादा तल नहीं करना है। एकदम देहाती मछली का तरी, देखिए खाखरार मछली। और अभी अभी लाइट भी आ गया, तभी से कटा हुआ था और बच्चे उधर सो गए। चलिए उबलेगा तो काम हो जाएगा ना। हाँ। दोस्तों मस्त तरी बन गया, देखिए ये देखिए, ये एकदम लुटुर पुटुर बना है। चलिए अब बांटते हैं। ये हो गया खड़ा और मछली, बड़ा बड़ा वाला दोनों जगह लेंगे। चलिए हम लोग बांट लिए। चलो टेस्ट करो कैसा बना है, एकदम देहाती मछली का झोर। चलिए हम तो पहले सबसे पहले टेस्ट करते हैं। बहुत हार्ड रहता है लेकिन फायदा भी करता है। बहुत दिन के बाद खाने जा रहा हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा, देहाती चीज़ अच्छा लगता ही है।